तो केजीएफ चैप्टर 2 के रिलीज होने के ठीक एक साल बाद उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी पे एक ऐसा अनाउंसमेंट हो चुका है जिसका मुझे और आपको सबको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि केजीएफ बहुत ही बड़ी फ्रेंचाइज बन चुकी है, क्योंकि फ्रेंचाइज की खास बात क्या रही है कि जब 2018 में शाहरुख खान की जीरो के साथ इसी फिल्म का फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ था तो उसने सिर्फ हिंदी बॉक्स ऑफिस पे 44 करोड़ का बिजनेस किया था। उसके बाद हम सभी को बताया कि जब लास्ट ईयर केजीएफ चैप्टर 2 14 अप्रैल को रिलीज हुई थी तो उसने बहुत ही मॉन्स्टर वाली सक्सेस हासिल करी। उसने सिर्फ हिंदी बेल्ट में 434 करोड़ के कलेक्शन किए थे और बाहुबली के बाद हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म बन चुकी थी। लेकिन एक चीज जिसने सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोरी थी वो था उस फिल्म का पोस्ट क्रेडिट सीन। अब सबको याद होगा केजीएफ चैप्टर 2 में पोस्ट क्रेडिट सीन दिया गया था जिसमें सब प्रॉमिस किया गया था कि केजीएफ चैप्टर 3 आएगी, लेकिन उस सीन के रिगार्डिंग ऑडियंस में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी। सबसे पहले तो इसलिए कि केजीएफ चैप्टर 2 के एंड में हमको दिखाया गया था कि रॉकी भाई का कैरेक्टर मर चुका है, तो लोगों को लगा था कि अगर रॉकी भाई का कैरेक्टर मर चुका है तो फिर केजीएफ चैप्टर 3 कैसे बनेगी। बाकी इस चीज में भी क्लैरिटी नहीं थी कि केजीएफ चैप्टर 3 जो आएगी वो की कोई प्रीक्वल होगी जिसमें 1981 से पहले की कहानी दिखाई जाएगी, या फिर वो सीक्वल होगी जिसमें 1981 यानी केजीएफ चैप्टर 2 की जो एंडिंग थी उसके बाद के इवेंट दिखाए जाएंगे। लेकिन कल केजीएफ के मेकर्स ने एक यूट्यूब पे बहुत ही बड़ा वाला बॉम्ब फोड़ा है, और मैं कह सकता हूँ एक ऐसा बॉम्ब फोड़ा जिसने पूरे इंटरनेट को हिला दिया है। क्योंकि आपको बता दूं कि केजीएफ चैप्टर 3 की बिल्कुल ऑफिशियल वाली अनाउंसमेंट हो चुकी है, और इस अनाउंसमेंट को देखकर ये पता चलता है कि मेकर्स ने हमें चैप्टर 2 में कितना बड़ा वाला धोखा दिया था। बेसिकली एक टीजर रिलीज किया गया है जो कि सेलिब्रेट करता है 1 ईयर ऑफ केजीएफ चैप्टर 2। हम सभी को बताया कि 14 अप्रैल 2022 को केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज हुई थी और कल उसका एक साल कंप्लीट हो गया। तो ऐसे में एक टीजर लाया गया जिसमें बहुत सारे इवेंट्स केजीएफ चैप्टर 2 के दिखाए गए, लेकिन हाईलाइट उस टीजर की ये थी कि उसमें तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उठाए गए हैं, और मैं कह सकता हूँ वो सवाल बिल्कुल भी नॉर्मल सवाल नहीं है। वो बेसिकली आप कह सकते हैं ईस्टर एग्स ड्रॉप किए गए हैं केजीएफ चैप्टर 3 के लिए। पहला सवाल ये है कि वेयर वॉज रॉकी फ्रॉम 1978 टू 1981। अगर आपने केजीएफ चैप्टर 2 ध्यान से देखी हो तो आपने ध्यान दिया होगा कि बीच फिल्म में एक बहुत ही बड़ा लीप लिया गया था, यानी 1978 से 1981 का टाइम स्किप कर दिया गया था, जिसके बाद रमिकांत सेन देखती है कि रॉकी ने कितनी बड़ी एम्पायर बनाई है। लेकिन हमको फिल्म के खत्म होने तक ये बिल्कुल भी नहीं बताया गया कि 1978 से लेकर 1981 में हुआ क्या था। अब इस चीज से एक बात बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है कि केजीएफ का जो चैप्टर 3 आने वाला है वो बेसिकली एक प्रीक्वल होगा, जहां पे हमें केजीएफ चैप्टर 2 में 1981 के पास के इवेंट्स दिखाए गए। तो केजीएफ चैप्टर 3 में हमको दिखाया जाएगा कि एक्चुअली 1978 से 81 में क्या हुआ था, रॉकी भाई किन लोगों से मिला था, क्या क्या उसने बिजनेस डील क्रैक करी थी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमको ये जानने को मिलेगा कि जो भी हमने केजीएफ चैप्टर 2 के क्लाइमैक्स में देखा क्या वो सचमुच हुआ था, क्या वो बिल्कुल रैंडम इवेंट थे या फिर रॉकी का कोई मास्टर प्लान था। सेकंड ईस्टर एग जो कि इस सीजन में ड्रॉप किया गया है वो ये है, जहां पे लिखा हुआ है कि द मदर ऑफ ऑल कोलिजंस इज येट टू बी विटनेस। हम सभी को बताया कि केजीएफ चैप्टर 2 में ऐसा दिखाया गया था कि रॉकी भाई अधीरा के खिलाफ लड़े थे, और उस फिल्म में ऐसा सॉर्ट ऑफ सेटअप दिया गया था कि अधीरा जो है वो रॉकी का सबसे बड़ा दुश्मन है, और इतना बड़ा फेस ऑफ शायद हमें इस यूनिवर्स में आगे देखने को ना मिले। लेकिन इस टीजर को देख के कंफर्म हो जाता है कि अधीरा और रॉकी का जो हमें फेस ऑफ दिखाया गया था वो सबसे बड़ा फेस ऑफ नहीं था केजीएफ के यूनिवर्स में, कोई और भी दुश्मन है जो कि अधीरा से भी बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और यहाँ पे एंट्री होती है हमारे डार्लिंग रिबेल स्टार प्रभास की। हम सभी को बताया कि 28th ऑफ सितंबर को सलार रिलीज होने वाली है, और उस फिल्म की सबसे खास बात यही है कि अभी ये बताया जा रहा है कि वो फिल्म केजीएफ यूनिवर्स से डायरेक्टली कनेक्ट होगी। इनफैक्ट र्यूमर्स तो ऐसे भी हैं कि सलार फिल्म के क्लाइमैक्स में हमारे रॉकी भाई यानी यश की भी एंट्री होगी, और डेफिनेटली ऐसा हो भी सकता है क्योंकि सलार फिल्म के जो डायरेक्टर है वो प्रशांत नील है, और इनकेस बाई चांस आपको नहीं पता कि वो कौन है तो वही है जिन्होंने केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 को डायरेक्ट किया था। तो इन सारी चीजों को देख के ये तो ऑलमोस्ट क्लियर हो रहा है कि सलार भी कहीं ना कहीं केजीएफ के यूनिवर्स या फिर मॉन्स्टर यूनिवर्स का पार्ट होने वाली है। लेकिन ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि क्या रॉकी भाई और सलार का जो कैरेक्टर है वो एक ही साइड पे होगा या फिर दोनों का आपस में फेस ऑफ होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया मेकर्स ने टीजर में ये कंफर्म कर दिया है कि अधीरा रॉकी भाई का सबसे बड़ा दुश्मन नहीं था, तो ऐसा दिखाया जा सकता है कि रॉकी भाई का डायरेक्ट फेस ऑफ सलार से हुआ था। और ये मैं कह सकता हूँ बिल्कुल आइकॉनिक वाला मोमेंट होने वाला है, क्योंकि आप खुद ही सोच सकते हैं यश का जो स्टार पावर है उसके सामने जब प्रभास आएंगे तो मैं कह सकता हूँ 1000-1500 करोड़ से फिल्म बहुत आराम से कमा लेगी। क्योंकि एक चीज तो है यश का और केजीएफ यूनिवर्स का स्टार पावर, उसके अलावा प्रभास का अपना एक बहुत बड़ा स्टारडम है, तो जब ये दोनों बड़े एक्टर्स एक साथ आएंगे तो ऐसे में आप समझ सकते हैं बॉक्स ऑफिस में बड़ा बड़ा धमाका तो हो गई। लेकिन यहां मैं ये भी क्लियर कर दूं कि ये धमाके की शुरुआत होगी, उसका रीजन ये है कि ऐसा बताया गया है कि सलार के बाद एक और फिल्म इसी यूनिवर्स की आएगी जिसका नाम है बगीरा, और ऐसी भी एक थ्योरी निकल के आ रही है कि हो सकता है सलार और रॉकी भाई का कैरेक्टर एक साइड हो और वो दोनों साथ मिलकर बगीरा के कैरेक्टर से लड़े। बाकी अब इस बात पे भी कंफर्मेशन आ गया है कि जूनियर एनटीआर जिनको आपने आरआरआर में देखा था वो भी प्रशांत नील के साथ काम करने वाले हैं, और बिल्कुल ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है। और एक स्पेकुलेशन ऐसी भी आ रही है कि वो फिल्म भी केजीएफ के यूनिवर्स का पार्ट होने वाली है।
तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ये यूनिवर्स बहुत ज्यादा एक्सपैंड करने वाला है और ये कहीं ना कहीं बड़े सुपरस्टार्स को टारगेट कर रहा है। और जो बेस्ट चीज हुई है इन सारी चीजों की वजह से कि हम सभी को पता है कि आदि पुरुष से लोगों की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो सलार जो कि आदि पुरुष के बाद प्रभास की फिल्म होगी उस फिल्म से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है और 28 सितंबर को जब वो फिल्म रिलीज होगी तो बहुत ही बड़ी वाली ओपनिंग लेने वाली है। और अब थर्ड और जो सबसे बड़ा ईस्टर एग ड्रॉप किया है वो मैं कह सकता हूँ उसने सारी ऑडियंस को शॉक कर दिया है। उसका रीजन क्या है कि अगर आपको याद हो केजीएफ चैप्टर 2 का जब टीजर आया था तो उसमें लास्ट में एक लाइन लिखी थी अ प्रॉमिस विल बी केप्ट। उसके बाद जब केजीएफ चैप्टर 2 आई तो हमने देखा कि किस तरीके से रॉकी भाई ने अपनी मदर को जो प्रॉमिस किया था कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन के मरूंगा वो उन्होंने रखा। इनफैक्ट केजीएफ चैप्टर 2 के तकरीबन 3-4 महीने बाद जब वो फिल्म बहुत ही बड़ी वाली मॉन्स्टर हिट हो गई तो एक स्पेशल टीजर निकाला गया था जिसमें उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट किया गया था और ये भी लिखा गया था कि द प्रॉमिस वॉज केप्ट, विच वॉज सॉर्ट ऑफ एन ऑफिशियल कन्फर्मेशन की रॉकी के कैरेक्टर ने जो प्रॉमिस दिया था अपनी मदर को वो उसने रखा। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ चुका है क्योंकि 1 ईयर जो सेलिब्रेशन टीजर आया है उसकी जो लास्ट लाइन है उसमें लिखा हुआ है कि द प्रॉमिस वॉज केप्ट और एकदम से वो लाइन ब्लर होती है और दूसरी लाइन लिख के आती है वॉज द प्रॉमिस रियली केप्ट। और उसके बाद जो दिखाया गया वो तो बिल्कुल ही अनबिलीवेबल है क्योंकि केजीएफ चैप्टर 2 के जितने भी क्लाइमैक्स के इवेंट थे वो सारे इवेंट्स रिवर्स में दिखाए गए। बेसिकली मेकर्स ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि शायद वो इवेंट्स हुए ही नहीं थे और प्रकाश राज का कैरेक्टर जो था जो कि कहानी पढ़ के केजीएफ चैप्टर 2 की पूरी कहानी बता रहा था शायद उसने असली कहानी छुपा के रखी और वो नहीं बताई। इनफैक्ट हमें वो सीन भी बहुत क्लियरली दिखाया गया जहां पे क्यून का कैरेक्टर कहता है कि सर आप ये क्या बोल रहे हैं, आप वो बोलिए ना जो कहानी में लिखा हुआ है, विच इज अगेन एन इंडिकेशन कि जो भी हमें केजीएफ चैप्टर 2 के लास्ट में दिखाया गया वो शायद एक बहुत बड़ा धोखा था जो कि प्रकाश राज का कैरेक्टर बाकी फिल्म के सारे कैरेक्टर्स को कहानी सुनाते वक्त दे रहा होता है और मेकर्स हमें दे रहे थे। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इससे क्लियरली पता चल जाता है कि रॉकी भाई का कैरेक्टर बेसिकली मरा ही नहीं था, वो जिंदा है और इसी वजह से प्यून जब बाद में वो रूम साफ कर रहा होता है तो उसको केजीएफ चैप्टर 3 की फाइल मिलती है। और यही चीजें ना कि जैसे कि मैंने बताया लास्ट में टीजर में लिख के आता है वॉज द प्रॉमिस रियली केप्ट तो उसमें जो क्वेश्चन मार्क है वो थोड़ा ब्लर हो जाता है और वहां पे लिख किया जाता है 3 विच इज द ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ केजीएफ चैप्टर 3। तो फाइनली मैं यही कह सकता हूँ कि मुझे केजीएफ चैप्टर 2 का जो एनिवर्सरी टीजर है बहुत ज्यादा पसंद आया। सबसे अच्छी बात मुझे लगी साउथ इंडियन फिल्म मेकर्स की जिस तरीके से वो अपनी फिल्म अनाउंस करते हैं। कुछ टाइम पहले भी हमने पुष्पा 2 का टीजर और पोस्टर देखा था और वो आइडिया भी बिल्कुल नॉवल था जिसमें पूरे टीजर के लास्ट में हमें अल्लू अर्जुन की शक्ल दिखाई गई। और सेम चीज अब केजीएफ के मेकर्स ने भी अपनाई है कि वो वीडियो जब आप खोल के देखेंगे तो आपको ऐसी लगेगा कि ये सिर्फ एक नॉर्मल ट्रिब्यूट है केजीएफ चैप्टर 2 को, लेकिन वेट फॉर द लास्ट 30 सेकंड वो बिल्कुल आपका मैं कह सकता हूँ माइंड ब्लॉफ कर देगा। और अब मैं यही कह सकता हूँ कि मैं यश और प्रभास को साथ में देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आई एम क्वाइट होपफुल कि दोनों सलार में देखेंगे और केजीएफ चैप्टर 3 जब आएगी तो उसका हाइप तो बिल्कुल अलग ही लेवल का होने वाला है। चलो फटाफट आप भी कमेंट सेक्शन में आ जाओ और आप भी बता दो कि केजीएफ का जो मॉन्स्टर यूनिवर्स है उसमें आगे क्या होने वाला है। क्या आपको ही मेरी तरह लगता है कि रॉकी भाई हमें सलार में दिखेंगे या फिर केजीएफ चैप्टर 3 में ही हमें प्रभास और रॉकी भाई दोनों दिखेंगे, सब कुछ बताइएगा। उसके अलावा वीडियो तो मुझे लगता है आपको पसंद आई होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए अपने सिनेमा मॉन्स्टर रंजन को दीजिए इजाजत।